हरदोई के प्राइमरी स्कूल प्रशासन की लापरवाही ने इस माँ से इसकी भूल सी बच्ची को हमेशा के लिए छीन लिया और अब माँ का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल मामला हरदोई के कासिमपुर थाने इलाके के माडर गांव का, जहां विकास गुप्ता की बड़ी बेटी गौरी गुप्ता पढ़ने जाया करती थी। दोपहर में मिड डे मील खाने के बाद बच्ची समरसीबल पर पानी पीने गई, तो वहां बिजली का तार टूटा पड़ा था जिसके चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। सर वो स्कूल सुबह स्कूल गई थी, स्कूल में वहाँ पे जो लंच हुआ है, लंच में वो समरसीबल में पानी वहाँ नल में अंदर पीने गई थी। वहाँ पे वो तार कटा हुआ था, शॉर्ट था, एक्सपायर था, और उसी को पता नहीं कैसे क्या हुआ वो उसमें चपक गई वो, और वहाँ से उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। यहाँ पे सीएससी देहदर में उसकी दवा दे दी एक्सपायर। घटना की जानकारी मिलने पर छात्रा के परिजन स्कूल पहुँचे, घायल छात्रा को अस्पताल लेकर पहुँचे, जहाँ डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत करार दे दिया। इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत माडर में प्राथमिक विद्यालय में 2020 में ग्राम पंचायत द्वारा इंडिया मार्का हैंडपम्प में समरसेबल स्थापित किया गया था। आज खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उसमें पता चला कि बच्चे मध्याह्न भोजन ग्रहण करने के पश्चात हैंडवाश कर रहे थे। कुछ बच्चे हैं वहाँ पर भी हैंडवाश कर रहे थे, उसी समय अचानक एक बच्ची को, कक्षा एक की बच्ची को करंट लगने से एक्सपायर कर गई, और उसमें प्रथम दृष्टया खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने के आधार पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। जांचोपरांत और कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ बच्ची को करंट लगा वहाँ किस तरह से बिजली का तार खुला पड़ा है। सवाल ये कि इस पर क्या स्कूल की किसी टीचर की निगाह नहीं पड़ी, और नजर पड़ी तो इसे हटाने की जहमत किसी ने क्यों नहीं उठाई। अगर तार को हटा दिया जाता तो मासूम की जान बच जाती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।